इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर, यूट्यूब पर भी चाहने वालों की कोई कमी नहीं। नाम पाउला गोनू। हम बात कर रहे हैं स्पेन की इन्फ्लुएंसर पाउला गोनू के बारे में। वैसे तो सोशल मीडिया पर मॉडल जैसी बॉडी और हॉटनेस की वजह से पाउला हमेशा ही छाई रहती हैं, लेकिन इन दिनों पाउला ने ये कहकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है कि उन्होंने एक बार अपने ही शरीर के अंग को पकाकर खा लिया था। आपने नॉनवेज खाने के शौकीन के बारे में तो काफ़ी सुना होगा, लेकिन पाउला नॉनवेज की इतनी बड़ी शौकीन है कि एक रोमांटिक डिनर के दौरान उन्होंने अपने घुटने के एक हिस्से को बड़े ही चाव से खा लिया। पाउला ने बताया कि एक बार उनके घुटने में चोट लगने के बाद उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ा। तब डॉक्टर ने उनसे पूछा कि क्या वो मेनिस्कस यानी कि घुटने को जोड़ने वाली दो हड्डियों के बीच का मुलायम हिस्सा रखना चाहती हैं। तब पाउला ने मेनिस्कस को सैंपल कलेक्ट करने वाले एक प्लास्टिक कंटेनर में रखा, उसके बाद उसमें शराब भी डाल दी ताकि वो खराब ना हो। ठीक होने के एक हफ्ते बाद उन्होंने मेनिस्कस को अपने पार्टनर के साथ एक रोमांटिक डिनर में मजे से खाया। पाउला के इस खुलासे ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। पाउला के इस खुलासे को लोग पचा नहीं पा रहे और उन्हें जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। पाउला के इस अजीबोगरीब खुलासे के बाद कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें उल्टी वाली फीलिंग आ रही है, तो कईयों ने इसे घिनौना करार दिया। इस दौरान इन्फ्लुएंसर ने ये कहकर अपने फैसले को सही ठहराया कि जब लोग जानवरों की हड्डियों को बड़े ही चाव से खा सकते हैं तो फिर ये तो उसके शरीर का हिस्सा था। पाउलो का कहना है कि उसने मेनिस्कस को खाकर वापस अपने शरीर में डाल दिया है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।